हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ चोक कॉइल इन कंट्रोलिंग करंट इन एलसी एसी सर्किट। तो चोक कॉइल का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है आपको। व्हाई इज इट इज प्रेफर्ड ओवर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, एंड रेजिस्टेंस की जगह चोक कॉइल एसी सर्किट में क्यों यूज किया जाता है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये चोक कॉइल है क्या, है ना। तो चोक कॉइल का प्रिंसिपल वर्किंग तो बात की बात है। तो चोक कॉइल अगर हम देखें तो इट इज सिंपली एन इंडक्टर। ये क्या है? इंडक्टर विद मैनी टर्न्स एंड हैविंग स्मॉल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? स्मॉल होता है। ये हमारी होती है चोक कॉइल। ये बनती कैसे है? तो अगर इसके बनने की बात की जाए तो हम क्या, एक लेमिनेटेड कोर बनाते हैं, ये कुछ ऐसे इस टाइप से, है ना। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या कर देंगे, यूं। तो ये हमारी कॉइल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। की अगर बात की जाए तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल वर्क करती है? सेल्फ इंडक्शन। यानी कि जब इसमें एसी पास होगा, ये जो हमारी चोक कॉइल है, इस चोक कॉइल में हम क्या एसी पास कराएंगे, तो इसमें क्या एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है, और वो अपोजिशन में क्या करता है, हेल्प। तो ये किसकी, किस पर बेस्ड है? सेल्फ इंडक्शन पे। कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो बैक ईएमएफ आएगा। सेकेंड थिंग इज कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन अभी भी मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगी, एक लेमिनेटेड कोर, और उस लेमिनेटेड कोर के ऊपर क्या कर देते हैं हम, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को यूं टर्न्स के साथ कनेक्ट कर देते। तो ये हमारी क्या बन जाती है, चोक कॉइल। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ वर्किंग। तो अगर वर्किंग की बात की जाए तो ये वर्क कैसे करती है? तो बेटा जब कोई सर्किट में, जैसे कि एक सर्किट है हमारा, और इस सर्किट में हमें करंट को क्या करना है, मेंटेन करना है, तो ये रेजिस्टेंस है ये अलग, तो हम यहाँ पे क्या एक चोक कॉइल लगाते हैं। तो इस चोक कॉइल से हो क्या जाता है, चोक कॉइल पहली बात तो इसका पावर, एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, जीरो। क्यों हो जाता है? बिकॉज इंडक्टर मेक्स फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई कितना, पाई बाई टू। तो अगर हम इसका एवरेज पावर डिसिपेशन देखें तो पी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, वी आई आर एम एस, वी आर एम एस कॉस फाई, और कॉस पाई बाई टू है तो यहाँ फाई की जगह पाई बाई टू रखें तो पी एवरेज कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। अब क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है, इस बहुत स्मॉल की वजह से जो पावर डिसिपेशन होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेशन होगा आई स्क्वायर स्मॉल आर। ये स्मॉल आर की वजह से इसमें पावर डिसिपेशन अगर होगा भी तो कौन सा होगा, वेरी स्मॉल, बट ये वोल्टेज को डिवाइड करेगा तो ये करंट को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है इस वजह से। तो ये हमारी वर्किंग है, इसको सीरीज में लगा देते हैं किसके साथ, उसके उस कंपोनेंट के साथ जिसमें हमें करंट को कंट्रोल करना है। अगला, व्हाई इज प्रेफर्ड ओवर रेजिस्टेंस इन एसी। तो क्वेश्चन बढ़िया है, ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज कर सकते, वाई नॉट रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे, है ना, तो आपको उतना करंट टू रिड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑफ करंट कॉमा हैवी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा लगाना पड़ेगा, हैवी रेजिस्टेंस शुड बी अप्लाइड
एक हैवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन हैवी रेजिस्टेंस का जो एवरेज पावर होगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर हैवी। तो जब आई स्क्वायर आर हैवी तो पावर डिसिपेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसका कोई सेंस भी नहीं बनता कि हम पावर ज़्यादा कंज्यूम करा के यानी ज़्यादा पावर लॉस करके तब उसके रेजिस्टेंस को क्या कर पाएँ या उसके करंट को क्या करें, कंट्रोल करें। दैट्स वाई हम क्या लगा देते हैं, एक चौक कॉइल जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कैसा होता है, नेग्लेजिबल, और ये अपने बैक ईएमएफ से करंट को कंट्रोल भी कर ही देता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।